नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा उपचुनाव में किसकी होगी जीत और कौन किसको देखनी होगी लेकर डबरा। 19 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने कहा, हम जीत रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने मीडिया से पूछे गए सवाल में कहा कि उपचुनाव के बाद भी हम जनता के बीच जाकर जनता का आभार व्यक्त किए। उनसे मिले समर्थन के बाद कांग्रेस पार्टी डबरा से ऐतिहासिक जीत की ओर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम के लिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और जीत हमारी ही होगी क्योंकि इस बार का चुनाव जनता ने लड़ा है। श्री राजे ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में परिणाम चौंकाने वाले होंगे। यहां कांग्रेस 20 से 25 सीटें जीतकर पुनः कमलनाथ जी की सरकार बनाने जा रही है। संवाददाता सुनील सिंह रजावत की रिपोर्ट। जनार्दन का आशीर्वाद हमको मिलेगा और लोकतंत्र की विजय होगी और जो लोकतंत्र को उन्होंने कलंकित किया था, जनता पुनः नोट वाली सरकार हटाएगी और वोट वाली सरकार पुनः 11 तारीख को शपथ लेगी।